उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है, लेकिन आगरा जिले में ऐसा भी एक प्रत्याशी है जो हारने के लिए चुनाव लड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस प्रत्याशी की हसरत भी हारने का शतक बनाने की है। इस व्यक्ति का नाम हसनूराम अम्बेडकरी है। खेड़ागढ़ के नगला दुले निवासी 75 साल के हसनूराम अम्बेडकरी 94 बार निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर में पर्चा लेने पहुंचे। हसनूराम अम्बेडकरी की कहानी अपने आप में अनूठी है। विभिन्न पदों पर 93 बार चुनाव हारने के बाद भी हसनूराम का हौसला अभी भी बरकरार है। इसी हौसले के साथ वह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हसनूराम अम्बेडकरी ने बताया कि वह सन 1985 से अलग अलग 93 चुनाव लड़ चुके हैं, 100 बार हारने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने कभी किसी चुनाव में 1 रुपया खर्च नहीं किया। उन्होंने एक बार राष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन किया था, लेकिन पर्चा निरस्त हो गया था। नीचे वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, क्रय विक्रय, कोऑपरेटिव प्रशासक एवं भूमि विकास बैंक, MLA, MLC, स्नातक, नॉन स्नातक एवं लोकसभा और ये विधानसभा। हाँ, राष्ट्रपति दावेदार रहा था, लेकिन रिजेक्ट हुआ था मेरा पर्चा। मेरे अंदर एक तीस है, एक दर्द है। जो लोग मंत्री बने, संतरी बने, जिस समाज में मैंने काम किया, जिस यूनिट में काम किया, वो लोग मंत्री बने और भी अधिकारी बने, तो मेरे ये टीस थी कि मैं भी मतलब किसी तरीके से इनके बराबर चलता रहूं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।